आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया, जहां दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालुओं की हर एक मंदिर में जमावड़ा लगा हुआ था। और वहीं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वहां तो कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। वहां तो करीब 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु वहाँ पर उमड़ते हैं। वहीं उसी रोड के निकट स्टप कैलाश के रास्ते में जो श्री राधा कृष्ण मंदिर है, वो काफ़ी पुरानी मंदिर है, वहाँ पे भी काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिला। और हमारे संवाददाता वहाँ पे जब कवरेज कर रहे थे, तो वहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर के जो प्रधान हैं और काफ़ी प्रसिद्ध आदमी हैं रमेश यादव जी, हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की, तो आइए उन्होंने क्या कहा, ले चलते हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर। देख रहे हैं खबर एनडीटीवी और हम इस वक्त स्टप कैलाश के राधा कृष्ण मंदिर में हैं और हमारे साथ इस वक्त रमेश यादव जी, यहाँ के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आइए इनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या क्या यहाँ पे तैयारी है। और चूँकि यहाँ पे इस्कॉन मंदिर बिल्कुल सामने ही रास्ता गया है, बहुत नज़दीक में है, तो यहाँ पे कितनी संख्या में लोगों की भीड़ रहती है, आइए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में रमेश यादव जी से बात करते हैं। नमस्कार, आप खबर एनडीटीवी में स्वागत है। बताएं सर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में क्या क्या तैयारी चल रही है? जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे बगल में इस्कॉन मंदिर होने करके यहाँ भी पब्लिक बहुत आती है और ये बहुत पुरातन मंदिर है। ये मंदिर जो है 1770 के करीब बना था और 45 साल से पुराना मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस सनातन लोक सभा के अंदर में दो मंदिर हैं, जो राधा कृष्ण मंदिर और राम मंदिर कैलाश है। और राधा कृष्ण मंदिर बहुत पुराना ही मंदिर है, उससे मंदिर के साथ हमें जुड़े 45 साल जुड़े हो गए और इस मंदिर की सेवा करने का मौका मिला। और कृष्ण भगवान राधा के नाम से मंदिर है और राधा कृष्ण मैया की कृपा से और सेवा करने का मौका मिला। और आज के उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह राधा कृष्ण भगवान ने प्रेम और रस को बढ़ाया। देखते रहिए खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।